नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोडिल एस सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एम्ब्रोडिल एस सिरप को कैसे लेना चाहिए और एम्ब्रोडिल एस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोडिल एस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एम्ब्रोडिल एस सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एम्ब्रोडिल एस सिरप बलगम को पतला करती है और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा अस्थमा और COPD से पीड़ित व्यक्तियों को भी डॉक्टर एम्ब्रोडिल एस सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। एम्ब्रोडिल एस सिरप वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। एम्ब्रोडिल एस सिरप को लेने के बाद फेफड़ों के वायुमार्ग चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीड़ित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एम्ब्रोडिल एस सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एम्ब्रोडिल एस सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, कब्ज होना, दस्त होना, पेट में दर्द, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स एम्ब्रोडिल एस सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोडिल एस सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एम्ब्रोडिल एस सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर एम्ब्रोडिल एस सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर एम्ब्रोडिल एस सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर एम्ब्रोडिल एस सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। एम्ब्रोडिल एस सिरप की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एम्ब्रोडिल एस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोडिल एस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको एम्ब्रोडिल एस सिरप के साथ साथ हर रोज दिन में 2 से लेकर 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए और बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एम्ब्रोडिल एस सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एम्ब्रोडिल एस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एम्ब्रोडिल एस सिरप का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि एम्ब्रोडिल एस सिरप स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एम्ब्रोडिल एस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एम्ब्रोडिल एस सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।